हाय कृपा। हेलो पृथ्वी, मैं पार्किंग लॉट में हूँ, क्या तुम प्लीज जल्दी आ सकते हो? क्यों, क्या हुआ? Anything serious? मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज बाहर आओ। ओके ओके, I'm coming। क्या हुआ कृपा? बाद में बात करते, पहले तुम अंदर बैठो। बात क्या है? पृथ्वी, मैंने कहा ना, प्लीज अंदर आके बैठो। अरे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? What's the problem? पृथ्वी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम चलो मेरे साथ पहले। पृथ्वी चलो जल्दी। लेकिन जाना कहाँ है? पृथ्वी पहले तुम चलो, बहुत जरूरी लेकिन काम है। जा कहाँ रही है तो बता दो। पृथ्वी मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले तुम चलो, बहुत जरूरी काम है। I don't... कृपा बताओ तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? कृपा हैप्पी बर्थडे पृथ्वी। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैं उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। I want to sing a song for my husband. Here's a cake for the birthday boy. Bye. बताओ कितने कैंडल्स लगाऊं? ठीक है, अगर तुम सबके सामने नहीं बताना चाहते तो it's okay. नहीं मिश्ती, तुम सिर्फ एक कैंडल लगाओ, क्योंकि आज मेरी वाइफ ने जो मुझे खुशी दी है उसके बाद मुझे लगता है जैसे आज मेरा नया जन्म हुआ। I feel like I'm reborn today. इसी कैंडल की तरह मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में भी आग लगा दूंगा कृपा। कृपा बेटे, थैंक यू। किस लिए मॉम? बेटे, मुझे हमेशा लगता था कि मेरा पृथ्वी ही इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन आज मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तुम भी कुछ कम कोशिश नहीं करती। तुमने वाकई पृथ्वी को सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया है और मुझे भी, इसलिए थैंक यू। नहीं मॉम, आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। पृथ्वी मेरा पति है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ मॉम, आज तक हमारे रिश्ते के बीच बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। मैं भी यही दुआ करूंगी बेटे कि भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बाय। पर तुम्हारे थैंक्स का आधा हिस्सा। मतलब ये कि जब मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लूं। तब मैंने जैप को फोन किया और उसने मुझे कहा कि मुझे जो सबसे पहले बहुत ही पसंद आए मुझे वही लेना चाहिए। देन आई सॉ दिस कवरिंग और मुझे लगा कि मेरे भाई के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। तो रियली उसका मतलब है कि अभी से तुम दोनों अपने फैसले मिलजुल कर लेने लगे। तुम वेरी गुड। नो बट मिस्टी, सीरियसली, इतने अच्छे फियांसे के साथ तुम अच्छा नहीं कर रही। मैं समझी नहीं। समझी नहीं? तुम होटल रिट्स में जेब से मिलने वाली थी, रिमेम्बर? नहीं भाई, ये सच है कि हम दोनों साथ में डिनर करने वाले थे, लेकिन फिर तुम्हारे बर्थडे की वजह से हमने वो प्लान्स कैंसिल कर दिए और यहाँ आ गए।
लेकिन उसने तुम्हें होटल रिसीव लाया था? नहीं भाई। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? नहीं यार, मे बी आई मिसअंडरस्टूड। ऑलराइट देन, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट बी देयर। कृपा, एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। पृथ्वी, अभी नहीं, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाकी है। प्लीज कृपा। एक मिनट पृथ्वी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे पति के बर्थडे पर मैं उसे एक और सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं हमारी यादें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पृथ्वी ना ही मेरा हस्बैंड बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। उसने हर वक्त मेरा साथ दिया है इन ऑल माई अप्स एंड डाउन्स, एंड दैट्स द रीजन आई लव यू। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। ये अंगद डीजे के पास क्या कर रहा है? कहीं फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहा है? क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? आई लाइक इट, अपने हस्बैंड की बर्थडे पार्टी में भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। गुड। मुझे तुम्हारा पीछा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये जानने में इंटरेस्ट जरूर है कि तुम उस डीजे से क्या कह रहे थे। इतनी भी जल्दी क्या कृपा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखो अंगद, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन जो कुछ भी तुम करते हो उससे पृथ्वी को तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंची थी जब तुमने मेरे साथ, मेरा कसूर क्या था? देखो अंगद, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद। ये तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे बर्बाद करके खुश कैसे रह सकती हो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। देखो अंगद, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। तुम्हें अपने परिवार की खुशियां चाहिए और मेरे परिवार का क्या? तुम्हारी वजह से कृपा, मेरा सारा परिवार मुझसे छिन गया। What about that? Just forget it, okay? अंगद प्लीज, मुझ पर तरस खाओ, चाहे मिष्टी के लिए ही सही पर। कहाँ चली गई? प्लीज अंगद, मेरी जिंदगी से चले जाओ, मुझे खुशी की जिंदगी जीने दो और तुम भी सुकून की जिंदगी जियो।
Enough. क्या तुम वाकई खुश हो? बोलो, क्या तुम पृथ्वी के साथ उतनी खुश हो जितनी मेरे साथ थी? बोलो। Talk to me. जब क्यों? जब क्यों बात करूं मुझसे? Are you satisfied with Prithvi? Are you satisfied with Prithvi? पार्टी में तो सबके सामने तुम बोल रही थी कि तुम उससे प्यार करती हो। प्यार करती हो उससे तुम? जब पृथ्वी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं करता हूं। जितना मैं करता हूं बोलो। क्या उसकी दिल की धड़कने तुम अपने सीने में महसूस करती हो? उसकी दिल की धड़कने अपने सीने में महसूस करती हो या नहीं बोलो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। जब वो तुम्हें छूता है क्या तुम्हें वही एहसास होता है जो मेरे छूने से होता है? जो मेरे छूने से होता है बोलो। बोलते क्यों नहीं? टॉकिंग नहीं हो, बात करो मुझसे। गॉड डैम इट, टॉक मी, बोलो। नहीं होता, नहीं होता। I don't feel the same. Doesn't make me feel the way you do. वो मुझे तुम जितना प्यार नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी मुझे तुमसे कई गुना ज्यादा प्यार करता है। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छा। And that's the reason I love Prithvi. मैंने तुमसे जितना भी प्यार किया है उससे कई गुना ज्यादा मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ। Because he's the best person in my life. पता है वो एक ऐसा पति है जो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है, सिर्फ अपनी पत्नी से। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। That I love my husband. I love Prithvi. Kripa, कभी कभी सबसे बड़ा सच ही सबसे बड़ा झूठ बन जाता है।